दोस्तों हम सब जानते हैं कि भारत में सबसे पहले यूरोपीय जातियों में पुर्तगाली लोग भारत में व्यापार करने आए थे और पुर्तगालियों का वर्षों तक भारत के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था और भारत के व्यापार से पुर्तगाली बहुत ही लाभान्वित हुए थे। पूरे यूरोप में भारत की संपन्नता और यहाँ के साठ पाठ शानो शौकत की चर्चाएं आम हो चुकी थीं। इसको देखते हुए कुछ अंग्रेज भी भारत आए और यहाँ की संपन्नता उन्नतशील और शानो शौकत के किस्से इंग्लैंड में प्रकाशित किए, जिससे इंग्लैंड का व्यापारिक समाज उत्कंठा को तीव्र करता चला गया। लेकिन अंग्रेजों के व्यापार के मार्ग में सबसे अधिक स्पेन और पुर्तगाली बाधा बने रहे, क्योंकि पूर्व के देशों में इनका व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त था। लेकिन वर्ष 1588 ईस्वी का साल जब अरमाडा की जंग में स्पेन की करारी हार हुई और उसके व्यापारिक प्रभुत्व पर बहुत ही बड़ा धक्का लगा, इसके बाद अंग्रेजों की व्यापारिक शक्ति तथा समुद्रिक शक्ति का पूरे विश्व में सिक्का जमने लगा, जिससे अंग्रेजों के व्यापार विस्तार को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ से आज्ञा पत्र प्राप्त किया और इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटिश इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये कंपनी दुनिया के पूर्वी भाग में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करेगी तथा ब्रिटिश साम्राज्य को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में तब्दील करेगी, जिसके साम्राज्य में कभी भी सूरज अस्त नहीं होगा। सबसे पहले भारत में आने वाले अंग्रेज यात्री राल्फ फिच था, जो अकबर के शासनकाल में भारत आया। इसके बाद दूसरा अंग्रेज यात्री जॉन मिल्डेनहॉल अकबर के दरबार में आया। उसने अकबर से कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली। 1608-09 में एक अन्य अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंग भारत आया। उसने जहांगीर से भेंट की तथा कुछ सुविधाएं प्राप्त करने में कामयाब रहा, लेकिन पुर्तगाली प्रतिद्वंदी होने के कारण उनके षड्यंत्र से ये सुविधाएं जल्द ही रद्द कर दी गई। यद्यपि विलियम हॉकिंग सफल नहीं हुआ, फिर भी अंग्रेजों को भारत में बहुत कुछ सीखने को मिला। भारत में पुर्तगाली और डच कंपनियां अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे। इन लोगों के षड्यंत्र से मुगल दरबार अंग्रेजों के विरुद्ध नकारात्मक विचारधारा बह रही थी। इस संकटपूर्ण स्थिति में बगैर राज सहयोग से स्थिति मजबूत नहीं हो सकती थी। अतः अंग्रेज शासक जेम्स वन ने 1615 ईस्वी में अपना एक राजदूत सर टॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा। इस मिशन का उद्देश्य भारत में मुगल शासन से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना है। सर टॉमस रो को बड़ी ही कठिनाई का सामना करना पड़ा। मुगल दरबार में शहजादा खुर्रम और उसके सहयोगी पुर्तगालियों के पक्ष में थे। प्रारंभ में सर टॉमस रो को कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई। हाँ, सूरत में शांतिपूर्ण व्यापार करने की कुछ आज्ञा अवश्य प्राप्त हो गई। सर टॉमस रो बड़ा ही चतुर व्यक्ति था। वह निरंतर अपने कार्यों में लगा रहा। अंत में उसने नूरजहां के भाई आसफ खां द्वारा जहांगीर से अंग्रेजों के लिए कुछ अधिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हो गया। इसके द्वारा अंग्रेजों को बिना किसी कर दिए व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त हो गई और उसके जान माल
की रक्षा मुगल शासक के हाथों में चली गई। अंग्रेजों की प्रथम कोठी 1611 में मसूलीपट्टनम में खोली गई तथा दूसरी कोठी 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों एक सुनहरा फरमान जारी किया जिसके अनुसार अंग्रेज लोग 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों पर स्वतंत्रपूर्वक व्यापार कर सकते हैं। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे में ले लिया, वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण कराया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बन गया। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स दो से हो गया। इस अवसर पर दहेज के रूप में चार्ल्स दो को बंबई जैसा द्वीप प्राप्त हुआ। कालांतर में चार्ल्स दो ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी अंग्रेजों का मुख्यालय सूरत में हटाकर बंबई बना दिया गया। बंबई शहर की स्थापना गेराल्ड ओंगियम ने 1669 से 1677 के बीच की थी। बंगाल के शासक शाह शुजा ने अंग्रेजों को कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की जिसे निशान कहा गया। 1698 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतानुति कालीकट गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपया भुगतान करके प्राप्त कर ली। कालांतर में यही कलकत्ता बना जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने की थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था और इस कंपनी में प्रारंभ में 217 साझेदार थे। भारत में प्रथम अंग्रेज जहाज का नाम रेड ड्रैगन था।